नीति आयोग के सर्वे में हिमाचल प्रदेश को सबसे ईमानदार राज्यों में शामिल किया गया और सर्वे के मुताबिक सिर्फ 3% लोगों को ही अपने काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। सीएम वीरभद्र सिंह ने इसका श्रेय राज्य की जनता को दिया है। नीति आयोग के सर्वे में हिमाचल ने सबसे ईमानदार राज्यों की फेहरिस्त में बाजी मारी है। इस उपलब्धि का श्रेय हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने सूबे की जनता को दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह देवभूमि के लोगों का अच्छा चरित्र और देशभक्ति है। ऐसा है, इसका जो पूरा श्रेय है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को जाता है, उनके चरित्र को जाता है, उनकी परंपरा को जाता है। और यूं भी जीती हिमाचल देवभूमि है, यहाँ के लोग जो ईमानदार है, झूठ नहीं बोलते हैं और देशभक्त है, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुख्यमंत्री ने शिमला में आयोजित पीएम मोदी की रैली को लेकर भी चुटकी ली। साथ ही आरोप लगाया कि हिमाचल को केंद्र से जितनी योजनाएं मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री जो कहा वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी हिमाचल प्रदेश को चीज मिली है, हमने उसका तुरंत उसको हमने उसको दिया है, स्कीम को कहना ये है कि जिस मात्रा में हिमाचल प्रदेश को जो है नई स्कीमें नए प्रोग्राम्स मिलने चाहिए थे उतनी। उन्होंने बीजेपी के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें केंद्र की योजनाओं को लागू करने में कोताही करने का आरोप लगाया गया है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।